हमारे नन्हे बच्चे क्या करते हैं, घर में खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ना ही ना। कल संडे था, क्या क्या किए, आंख भी ठिप गए थे क्या? नहीं, क्या टीवी देखे, छींटू टीवी देखे, कुछ क्या किया बताना अम्मा, हमें भी होना, आप क्या करेंगे? आपको देखो, आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपको क्या क्या पसंद? खेलने का, गाने का, खाने का, नाचने का? ओके, खाने का। अच्छा, खाने में क्या क्या स्वीट इच्छा की? स्वीट आपको पसंद है क्या? ओके, स्वीट पसंद है कुछ लोगों को, फ्रूट पसंद है। आपको फ्रूट कौन कौन से आपको याद है क्या? पता है आपको, यू नो फ्रूट का नेम, फ्रूट कैसे कैसे रहता है? मैं आज आपको फ्रूट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। फ्रूट हिंदी में फल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रूटों को? फल। आपको फल कैसे कैसे इच्छा? आप मकड़े निमिके तीन तक के आटा डाल के अपना दिशा के लोग के स्वीट इच्छा के लोग के हर निश्चा हर कड़ाई के लिए के आटा डाल दिया के निकाले तो बता आदरे नाम निमिके बतो इल्ला विचार अपना हेड के लिए माँ फ्रूट अली आलो थरे रहते क्या टेस्टी रहते ये वैल्ला हम बोलते थे चना। तो आप दस्तकश बनने के लिए फ्रूट खाना है, फ्रूट खाना है ना, अपने हैंड पर अपने तो कितने स्ट्रांग होते हैं, हाँ मतलब वो तो कितने चना है पकाते, छह लच्छे लच्छे। आज मैं आपको फल के बारे में बताती हूँ। ये क्या है? आपको ये फिगर देखिए तो आपको पता रह देना क्या है। सेब, सेब कैसे रहता है? केव डार्क रहता है, येलो रहता है, है ना। सेब टेस्टी भी, बहुत मीठा रहता है और बहुत क्या टेस्टी रस रहता है। आपको कुछ लोगों को सेब बहुत पसंद, बहुत टेस्टी रहता है, खाने के लिए उसमें जूस बनाया जाए वो स्ट्रांग बन सकते हैं। ऐसे ही आम फलों का राजा है, फलों का किंग, फ्रूटों का किंग कौन है? आम। आम बहुत टेस्टी रहता है, उसे रसायन बना जाता है, उसे वो बिट को फोड़ के को रसायन बना जाता है, जूस पीते हैं, खाने का बहुत टेस्टी रहता है, वो कड़वा भी एक कच्चा भी रहता है, मीठा भी रहता है, खाने के लिए बहुत टेस्टी। आप एक ना दो तीन आम एक ही सीजन में वो आता है, ये तो से साल भर में रहता है क्योंकि आम साल भर में नहीं रहता, केवल अप्रैल मई जून में रहता है। ओके नेक्स्ट, ये तो आपको पता है, हर दिन खाते हैं केला, केला खाते हैं ना बनाना, हर दिन खाते हैं। हाँ ये एप्पल मैंगो तो खाने का कम, पर केला तो बहुत लोग खाते हैं, ये तो हजम करने खाने हजम करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये तो छोटे रहते हैं, बड़ा रहता है, मोटा रहता है, लंबा रहता है, छोटे छोटे भी रहते हैं, ये तो हर एक लोगों को ये बहुत पसंद है, खाए तो बहुत अच्छा हजम होता है खाना। ओके नेक्स्ट, बनाना खाए तो आपको ये तो संतरा है, और संतरा तो कुछ लोगों को चिंटा छिलकने के लिए नहीं आता, होता भी वो बहुत हेल्दी फ्रूट है, ये जूस बना कर पिए तो दिन भर हम बहुत खुश रहते हैं, तंदुरुस्त होता है, खाए तो खाना भी हजम होता, पेट ये भरा रहता है, कभी भी सूखा नहीं होता। ये तो अंगूर, अंगूर तो आप लोगों को बोल के अच्छे लगता है, ये तो खाने को ग्रेस करने को एक एक दो एक कटोरे में डाल ले तो पूरा पीते पीते हम खा जा सकते हैं। ऐसे ही अमरूद, ये तो हवा, आप तो ये मेरे को खट्टा लगता है, ये तो अंगूर कटा ग्रेस तो कटा मीठा लगता है, ये तो कटा मीठा लगता है, ये तो बहुत खट्टा लगता है।
अच्छा है, सेहतमंद ये फ्रूट है, आंखें के लिए तंदुरुस्त के लिए ये बहुत अच्छा। ये तो पोमोग्रेनेट, आप तो धान है, ये तो धान थे, धान की जैसे ये मिलकर रहता है, खाने के लिए बहुत टेस्ट रहता है, कभी भी कड़वा नहीं रहता, कभी भी मीठा रहता है, बच्चों के लिए बहुत सुंदर लगता है, ये तो आप खाना ही चाहिए। ऐसे ये आड़ू, आड़ू को बीज, बीजे को टेस्टी फ्रूट है, ये बहुत खाने के लिए बहुत टेस्टी रहता है। ओके चलो साफ करिए, और ये देश सारे फलों का नाम भी पता लगा और टेस्ट भी पता लगा। अब तो दिन सर खाना है, नाश्ता है, छह नंबर और एक विषय लेकर मैं आपको ले आऊंगी। ये पूरा फलों का नेम लिखना है, आप याद करना है, और मन मन माँ पापा से मांग कर खाना है। ओके बच्चों, थैंक यू।